वेलकम टू असम प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। कैसे हैं आप सब? क्यों, क्या रीजन आपके पास इतना अच्छा होने का भाई? महंगाई, पेट्रोल, डॉलर, गर्मी, गंदगी, क्यों हैं आप अच्छे? आज की जो हमारी गेस्ट है, दो दो हैं, कमाल होस्ट हैं। अगर होस्टिंग कोई शहर होता तो ये दोनों होती उसकी नाजिम। आपकी भरपूर तालियों में मारिया वास्ती और जुगल काजिम। तालियां बजती रहनी चाहिए। अच्छा भाई, बात यह है कि मॉर्निंग शो कर चुकी हैं आप तो बाकायदा माशाल्लाह से, तो ऐसा होता है अक्सर, मेरे साथ तो होता ही है, नॉट दैट हो रहा है। अभी तकरीबन 4 महीने तो हो चुके हैं, फाका नहीं हुआ, इलाज नहीं कराया आपने? एक मिनट जरा चेक करो ना। तेज हो रही धड़कन तेज हो रही है। ना कुछ नहीं, उम्मीद ही नहीं है। हक हाँ। अच्छा आज हम सोचे थे आप होस्टिंग करेंगे। नहीं मैं अच्छा हूँ, शुक्र। मैं कह सवाल पूछूं, सवाल तो पूछेंगे नहीं। मजा आ रहा है, अब वापस हो रहा है तो मजा आ रहा है। टेस्ट ऑफ माय ओन मेडिसिन। ये वाहिद शो है जिसके एपिसोड करोड़ देख के मैं आई हूँ, रिपीट में बार बार मैंने कहा हूं मैं अनुभव खान। मॉर्निंग शो था अक्सर होते हैं, सिलेबल्स में बात कर रहे होते हैं गेस्ट। आपने पूछा जी आपकी जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई? पैदा होने से। ऐसे स्टार्ट। आपको जवाब देती हूँ वैसे, जैसे कभी कभी हमारे शो पे लोग जवाब देते हैं। शुरू जुगन, आपके बारे में हमने जब पढ़ा तो आया कि आप 732 AD में अरब काफिलों के साथ यहाँ सिंध के साहिलों पे पहुंचे। 732 डेट नहीं है, 720 डेट है। आप अपनी रिसर्च नहीं करके आए। प्रॉब्लम ये है कि आपने विकिपीडिया पे देखा है। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की होती, मेरा पूछ लेते कराया था, तो 720 थी डेट। देखिए जिस एडी में आप आई थी उस एडी में कैलेंडर, वो एडी आपका वो खड़ा, वो का वो खड़ा मासूम सा है, वो एडी नहीं है, वो शेडी है। वो शेडी सा एडी है। आपके बारे में जो लिखा था कि एक अनजानी खातून भी काफिले में मौजूद थी। बेशक। काफिले में कितने लोग मौजूद थे और वो खाने में क्या खाते थे? बहुत बहुत। अच्छा, आपके खानदान ने जब साउथ अफ्रीका से हिजरत की और वो स्विट्जरलैंड पहुंचे, तो सुनने में आता है कि स्विट्जरलैंड की मलका जो थी वो खुद रिसीव करने आई। पहला जुमला उन्होंने क्या कहा? हेलो हेलो। आपसे पूछ लेता हूँ। ये होता है और दिल चाहता है कि या अपने आप को खत्म कर दे या अगला खुद ही खत्म। और आपको प्रोग्राम की ड्यूरेशन पूरी करनी होती है। ड्यूरेशन नहीं होती, ड्यूरेशन आपको पता है, जबकि यूजली पाकिस्तान में ड्यूरेशन का मसला नहीं होता। नहीं है लेकिन प्रोग्राम में मसला हो जाता है। इनसे भी बात करते हैं ना, बहुत लेजेंडरी होस्ट हैं, एक्टर। अभी लेजेंड बना दिए बड़ी जवानी में मेरी सेली को। अच्छा होता ही आपका, अपने में से पहले काम जिसको भी करता हुआ देख, पाकिस्तान में लेजेंड बनना कितना आसान है ना। बहुत। जो उम्र का बड़ा है लेजेंड है, काम अच्छा करता ही नहीं, उम्र का बड़ा लेजेंड है। वैसे कभी कभी जरूरत नहीं है मुझे लेजेंड बनाने की, उसमें भी नहीं हो रहा। वो वहां पे भी नहीं पहुंच पा रही मैं, कुछ बीच में फंस गई। इतना आसान बनना है तब भी नहीं हो पा रहा। अच्छा खैर, मारिया मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक सीरियल बना रहा हूँ मैं, सीरियल किलर नहीं, सिर्फ सीरियल बना रहा हूं, जिसमें मैं एक नाराज शौहर चाहिए मुझे, एक चालाक बेटी चाहिए मुझे और एक नालायक दोस्त चाहिए, ये एक आपको पता है किसकी नालायक दोस्त है बस कोई, अब किसी का दोस्त, हीरो का दोस्त है, टेक्निकलिटीज में ना जाएं। आप जा रही हैं एक नाराज हस्बैंड, एक चालाक बेटी और एक नालायक दोस्त, तो अगर पॉलिटिशियंस के पूल में से सिलेक्ट करना पड़े तो नाराज अब्बू कौन बनेंगे? नाराज अबू पॉलिटिशियंस में? हाँ, नाराज शौहर, सॉरी नाराज शौहर, हाँ पॉलिटिशियंस के पूल में से। खान साहब नाराज शौहर बनेंगे, बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं। नाराज और एक बार नहीं बनेंगे वो नाराज शौहर, सीरियल का है ना, सीरियल किलर, सीरियल ट्रायलॉजी तक चलेगी, 3 सीजन आएंगे इसके। अच्छा चालबाज बेटी मरियम के साथ जाते हैं, कर लेंगे, चलो चलाक होना कोई बुरी बात नहीं, चलाक होना कोई बुरी बात नहीं। नालायक दोस्त कौन बनेगा? आप करेंगे? नहीं पॉलिटिशियन ही है, नालायक दोस्त शहबाज गिल शेख रशीद, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, सारे ही नालायक, बहुत टोला है पूरा। यार और क्योंकि वो एक एक जो
जिस पार्टियों में घूम के आया होता है वो भी पूरी मारिया के दिमाग में वो जो कहते हैं साइंस चलिए साइंस की साइंस चलिए जुगन किस कास्टिंग से खुश हैं आप कास्टिंग काउच कास्टिंग से काउच से मैं किसी वजह से कभी प्रोडक्शन की तरफ गई नहीं बच्चों के अलावा अच्छा मारिया हमारे जियो पे ना एक बहुत मशहूर होस्ट है सोहेल वड़ाइच नाम है उनका बहुत कमाल आदमी है वो वाकई के लेजेंड है और वो लिविंग भी है लिविंग लेजेंड हमारी तरह डेड अभी रिसेंटली मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू किया हवतीन आजाद मेरा साथ दीजिएगा मैं सोहेल वड़ाइच अपने अंदर समा रहा हूँ समो ले थोड़े साइड से बाहर निकलेंगे लेकिन जिसको आप पसंद करती थी उन्होंने आपको छोड़ दिया जो आपको पसंद करते थे उनको आपने छोड़ दिया क्या ये खुला तजाद नहीं नहीं आपने खुद छोड़ा साड़ी में गुस्सा कंफ्यूज हो जाता है तजाद है ये चैनल पे कही आपने मैंने खुद सुनी अपनी आंखों से आप ही थी अच्छा क्या मैं सीरियसली कह रही थी या मजाक में कह रही थी नहीं नहीं हम तो सिर्फ थंबनेल देखते हैं लिखा होता है ना मारिया वास्ती को किसने छोड़ दिया जानने के लिए क्लिक करें लेकिन उसने नहीं छोड़ा फिर हमने क्लिक किया तो उसमें ऐड ही आते रहे किसी ने छोड़ा ही नहीं मैं जरा आसान लोगों की तरफ जाना चाहता हूँ या हमारे सामने ऑडियंस बैठी है इनकी आंखों में बिरयानी देखे आप जिसके इंतजार में आप एक बात करते हैं और उसके बाद ये और आप कितनी बातें कर रही है तभी नहीं कर रहे अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका इकरा इकरा yes. आप चश्मा सर पे लगा के आई हैं आज का दिमाग की आंखों से देखेंगी आप कोई सवाल लाई हैं मेरा क्वेश्चन है मैम जुगन से और मैम मारिया से मैंने ये पूछना है कि आपने देखा है आप बहुत स्ट्रगल करके इस फील्ड में आई हैं और ऐसे फेम नहीं मिल जाता तो आजकल के बच्चे एक वीडियो से इतने वायरल हो जाते हैं टिकटॉक पे वीडियो चढ़ाते हैं स्नैक वीडियोज आई हुई हैं तो आप लोगों को थोड़ा बुरा तो नहीं लगता मतलब इनसिक्योरिटी वगैरह होती है मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी इंसान किसी भी तरीके से अच्छे किसी काम से रिकग्नाइज किया जाता है चाहे टिकटॉक हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो स्नैपचैट हो अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है आखिर इनको भी तो दी है सो बात यह है कि इज्जत तो रब ताला की मर्जी है जिस मर्जी को दें और अगर रब ताला इज्जत दे रहा है तो हम कौन है आर्ग्यू करने वाले एंड एनीवे यंग लोगों को अगर प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो क्यों ना मिले गुड आई मीन मैं तो आई अपलॉड हमारे जो यंग टिकटॉकर बच्चे हैं और ये जो सारे जो देखो वो अपनी जगह बना रहे हैं जबकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मेरे लिए नहीं था टफ मीडिया में आना आप सही ये एक मिसकंसेप्शन है मेरे लिए बिल्कुल टफ नहीं था मीडिया में आना वो जो एक होता ना गोरी चिट्टी लड़की होती English है इंग्लिश भी आती है अंग्रेजी भी आती है तो आपको फौरन ही कह देते हैं कि आप मॉडलिंग करेंगे फेम तो मिल जाता है सस्टेन करना मुश्किल होता है और तो सवाल तसल्ली बख्श जवाब मिल गया मेरे ख्याल से उन्होंने 5 नंबर का सवाल पूछा तो जवाब उन्होंने 15 नंबर के दिए अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है पार्टनर जुनेद जमशेद अरे वाह जुनेद जमशेद नाम है क्या करते हो जुनेद मैं बहुत कुछ बहुत कुछ दो तीन काबिले जिक्र चीजें बता दो सीए कर रहा हूँ साथ एलएलबी कर रहा हूँ साथ पेरेंटल बिजनेस पेरेंटल बिजनेस पेरेंटल बिजनेस क्या होता है यार डैड का बिजनेस भी आ गई वो क्या है अच्छा मैं समझी पेरेंटल बिजनेस अम्मा अब्बा किराए पे देता है अम्मा अब्बा किराए पे पेरेंट्स बनने का बिजनेस पहले कुछ बन जा फिर सोची पेरेंटल बिजनेस के बारे में प्रिंटिंग बिजनेस है या पेरेंटल बिजनेस अम्मी अब्बा के बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ वो क्या है मेरे डैड इंडस्ट्रियलिस्ट है माइक ड्रॉप अच्छा क्या सवाल है मेरा सवाल मैं मारिया से आप कहती हैं कि जिन ड्रामों में औरतों को रोता दिखाया जाए उनकी रेटिंग ज्यादा आती है वाह इसकी क्या वजह है कि एक औरत जबकि हमारी ड्रामा ऑडियंस ज्यादातर फीमेल है इसकी क्या वजह है एक औरत दूसरी औरत को स्थानी देख ये है वाकई एक तो ये है कि जो ज्यादातर ड्रामे बनते हैं वो बहुत ये मैं मानती हूँ कि हकीकत के करीब भी होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो रहे हाँ बिल्कुल है लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि चैनल्स जो एक चीज़ को हिट हो रही हो या चल रही हो ना जिसकी को रेटिंग आ रही हो उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं नई चीज़ें याद नहीं सास बहू का जो ट्रेंड चला था सारा बचपन सास बहू कोई देख देख के गुजर गया कि भाई बना दिया इनके नहीं से आपे खत्म होते तो आई फील दैट यू आर राइट और इसके बारे में सोचना चाहिए दैट वाज अ गुड क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका हुमैरा हुमैरा क्या करती हो तुम सर मैं सीए कर रही हूँ तुम भी सीए कर रहे हो कितना पढ़ा लिखा आवाम सारी पढ़ी लिखी लगता है पूरी पाकिस्तान की आवाम यहीं आती है जिससे पूछो क्या कर रहे हो सीए कर रहे हैं बायोटेक कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं अच्छा वेरी गुड सीए कर रही हो तो कोई सवाल लाई हो जी बिल्कुल किसके पूछो मेरा क्वेश्चन जुगन मैम से है कि आपने लॉलीवुड में एक डांस नंबर किया था लेकिन उसके बाद ऐसी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई हमें अल्लाह का शुक्र
मेरी माँ ने 6 महीने मुझे घर में नहीं एंटर होने दिया। मैं जाती थी मामा को मिलने के लिए, वो हमजा को और उनकी जो नैनी थी उनको अंदर बुला लेती थी और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके कहती जाओ यहाँ से। So, इसलिए मूवी का नाम था खामोश रहो। वो खामोश हो गई, ये हम सब पे बहुत बड़ा कर्म हुआ। अच्छा, जेन्युइनली रिग्रेट करती हैं करना या आप कहती हैं यार क्या मुसीबत? मैं आई लव सिनेमा, आई लव एक्टिंग, आई रियली एंजॉय, बट कुछ मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मुझे नहीं आइडिया था, नया नया मैं भी इंडस्ट्री में आई थी, मुझे फिल्म की दुनिया का कुछ नहीं पता था। अब मैंने रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म की है जो टिपिकल पंजाबी अंदरून टाइप लाइक वो है, एंड वो मैंने बहुत इंजॉय किया करना। उसमें कोई मुझसे जबरदस्ती जो है ये नहीं कहा गया कि जी आपने उसमें आइटम नंबर करना है, ये करना है, वो करना है। जितने में हम कंफर्टेबल थे उतना किया, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। नाइस, थैंक यू। सो इट वाजंट द चीपनेस जिससे मुझे प्रॉब्लम थी, वो जो एक जिस तरीके से उन्होंने शूट किया था ना, उस फहाशी के एलिमेंट ने मुझे बहुत बॉदर किया था, क्योंकि वो मेरी मैं थोड़ा सा उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गई हूँ, रहूं भी तो बेहतर होगा। किस हिस्से क्या है उम्र का, क्या कौन से हिस्से होते हैं उम्र? उम्र मुझे क्या पता उम्र के किस हिस्से में। उम्र के इतने हिस्से, उसका बाजू है, उसकी टांग है, उसका गोड़ा है। आप किस, आपने उम्र के किस हिस्से में? मैं उम्र के दिल में रहती हूँ। दिल में, उम्र के दिल में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फैजान हैदर। कोई सवाल लाए हैं आप? सवाल मैं लाया हूँ मारिया मैम के लिए जी। पहले ये नाराज भी नहीं हो, फिर एक सजेशन भी है, जेलस भी नहीं होना है। जेलस भी नहीं और एक पूरी खबर सजेशन भी देना है और नहीं, सजेशन मैं दूंगा। हाँ। नसीहत भी करूँगा। अच्छा। सवाल पे सिर्फ जवाब देना है कि मैम ने अब तक शादी क्यों नहीं की। सजेशन क्या है? बुरी खबर पहले बताता हूँ। जैसे ताबिश भाई ने शादी कर ली थी रिसेंटली, मैंने भी कर ली है, ये बुरी खबर है। सजेशन ये है कि अच्छे लड़के हाथ से निकल रहे हैं, जल्दी से शादी कर लें। मैं देख ही नहीं रहा, मैं उधर देख रहा हूँ। अच्छे लड़के निकल तो रहे हैं, बहुत अपसेट हो गई तो शायद उन्होंने करनी बुरे लड़के से है। सलमान खान की लेडीज वर्जन बनना चाहती हूँ, अरे पूछे शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की, इस वजह से मैंने कहा कि चलो कर ही ले। अब यार कर लेंगी ना, उनकी अपनी मर्जी। आपने कर ली? मैंने कर लिया, ये बुरी खबर है। लव मैरिज है या अरेंज्ड है? अरेंज है। अरेंज है, ठीक है ठीक है ठीक है। लव हो गया? हाँ हो गया ना। हो गया। आप खुश हो? खुश हूँ। वो इस तरह खुश है? करने का इरादा होगा ना, अगर कर ले तो फिर किस तरह के लड़के से करना पसंद करेंगे? प्रिंस चार्मिंग का खाका सा होता है दिमाग में। चार्मिंग की हार्मिंग बहुत अच्छा। बहुत आजकल तो ड्रामों में सिर्फ हार्मिंग ही चल रही है ना, मार मार के कुटी जा रहे, बाल पुटी जा रहे, हार्मिंग है और लड़की रो ही जा रही है, और उसी से एंड में उसको प्यार हो जाता है। मेरे ड्रामे का करके पता चल गया ना, क्या ड्रामे कर कर। अच्छा, एक तो मैंने ये हद हो गई, जो ड्रामा देखो उसमें हीरो पहले गंदा ही होता है, थप्पड़ मारता है, गाली गलौज करता है, आखिर में वही हीरो बन जाता है। ये तो चल रहा है एंटा हीरो। आपने कोई सोचा रखा है खाका मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए? मैं बिल्कुल ऐसी गफलत की नींद नहीं सोती। ये तो कितना गंदा गाना है, मेरे ख्वाबों में कोई आए आके मुझे छेड़ जाए। हाँ, उसमें भी ये हो रहा है, ये क्यों छेड़, अलाउ क्यों कर रहे हैं, अलाउ क्यों कर रहे हैं। ये गाना जो है ये आपके पूरे शो को डिफाइन करता है। आप बहुत भारी शो पड़ रहा है मुझ पर। अच्छा जी, मुझे मजा आ रहा है। आप लोगों ने ऐसे ही रखना है, मुझ पर रहम दिली नहीं करनी, जो आप कर रहे हैं वो हम करेंगे। बादलों पे बसेरा, क्या स्टोरी थी बादलों में बसेरा? वो अच्छा सीरियस टॉपिक था, मगर हुआ कुछ मजा ही उसके अंदर। कि हुआ ये मारिया वास्ती की, इनकी मारिया की शादी जो है वो एक शख्स से कर दी गई टेलीफोन पे, जिसकी जवानी तस्वीर उस बंदे ने भेजी थी, मगर जब शादी हुई तो वो बूढ़े थे, तो बंदे ने दो नंबरी भी नहीं की, तस्वीर भी अपनी भेजी, मगर जब शादी हो गई तो वो बुजुर्ग थे। ये शदीद दो नंबरी है, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बंदा तो अपने अंदर लेकर बैठा होगा अंदर से जवान। हाँ अंदर से भाई, नहीं तस्वीर तो मेरी ही थी। अच्छा खैर, तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, चैटिंग करते हुए हम पूरी रात शफक से बात करते थे, सुबह शफीक निकलता था। तो ये आपके साथ कभी हुआ, चैटिंग वैटिंग का दौर चला है? हाँ, आप लोग भी कभी गरीब हो गए ना, माहिदारा मिडिल क्लास, ऐसा होता है ना, तो आर्टिस्ट मशहूर हमेशा तो थोड़ी अमीर होते।
अब वो खत आते थे, अब वो खत आते थे, हैं? हाँ हाँ, खत आते थे, क्या स्टोरी है? अरे मैंने कहा था कि खून वाला ना तो खत आया, खून वाला ना खत आया, मुझे एक दफा मच्छर ने लिखा, नहीं मच्छर ने क्या लिखा था, किसी ने अपने, अच्छा मैंने सोचा किसी ने सिरिंज से निकाल के पेन में उस इंक पेन में डाल के लिखा, अच्छा वो ना अजीब कोई पर्पल सा कलर था खून का, ये पर्पल नहीं, वो खून जब बदल जाता है ना, तो वो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैं और एंड में ये मैंने अपने खून से, उर्दू पढ़ी भी नहीं जा रही, कभी किसी को बुला रही हूँ, कभी हमजा के लिए साथ जो उनका ख्याल रखती थी, मैंने कहा शमाला बेटा जरा इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, एकदम से मैंने छोड़ दिया, कहता आप ही इसके खून से लिखा हुआ है, मैं कहा बेड़ा गरक मांगो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जुगन कासिम और भारिया वास्ती। हम लोग अक्सर, मैं हम लोग इसलिए कहूंगा, मैं भी लड़का रह चुका हूं, कब, आज से, इसकी किसका कोई सबूत है? 3 महीने पहले, हाँ हाँ, 2 बच्चे मेरे घर पे। तो ये है कि हाय हाय, लूज बॉल करा दिया, लूज बॉल करा दिया, इतना लूज बॉल करा दिया, ताबिश क्यों जागो, सबूत मांगा, दे दिया। अच्छा ऐसा है कि तीन लड़के कह रहे हैं, लड़के बैठे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे पड़े रहेंगे या हम खून से लिखेंगे या हम कोई इस तरह की हरकत करेंगे, लड़कियां इंप्रेस होंगी, लड़कियां वाकई डर जाती हैं भाई, इंप्रेस नहीं होती, डिप्रेस हो जाती है कि मेरा स्टैंडर्ड इतना लो है, इतना मेरा स्टैंडर्ड लो है कि अब ये मुझे इस किस्म की चीज, हां ये इससे कोई इंप्रेस नहीं होता, अगर आपको लग रहा है पहले था कि समबडी इज वेरी, एक ट्रेंड था हमारी फिल्मों का, हां फिल्मों ड्रामों में ही होता था, मैं देख लें पाकिस्तानी कि अगर आप ये इस तरह करेंगे, किसी के पीछे इतना जाएंगे तो ये आपका सबूत है of love, which is actually वो ही वाली बात जो आपने शुरू में के रोना पिटना the सास बहू thing, और ये वाला एक concept है कि आप जितना बंदी को तंग करेंगे उतना ही वो आपके पीछे आएगी, सारे जो मर्द हजरात हैं आप जितना अगले को तंग करेंगे उतना ही वो आपसे परे होगा और उतना ही वो दुआएं करेगा कि आप मरे literally, so please अगर कोई आपको ना कह रहा है तो नो मींस नो, उसके आगे नहीं, मगर उसने बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह करके मुझे नो कहा था लेकिन स्माइल थी उसके मुंह पे, no. क्या तो मैं गंदी गालियां निकालती साथ में चपेड़े मारती। अभी हम गेम खेलने वाले, इस गेम का नाम है 2 सेकंड का मामला, इस गेम में ऐसा है कि कोई सही और गलत जवाब नहीं है, मगर आपको सब जवाब जो है वो 2 सेकंड के अंदर ही देना है, अगर आप 2 सेकंड से एक्सीड कर जाएंगी तो ये बजर बजेगा, ये बजर इस बजर को खूनी पेचिश हुई भी है। मारिया वासी से पहले सवाल पूछूंगा, मारिया जियो पे चलते हुए पहली दफा देखा था ये किसी आर्टिस्ट के बारे में, जियो न्यूज में नीचे चल रहा था कि फला आर्टिस्ट जो है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, फला आर्टिस्ट जो है खूनी पेचिश के बाहर 22 अस्पताल में दाखिल, मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, इतना मैंने भी पढ़ लिया था, तस्वीर खींची और पढ़ा फला आर्टिस्ट को, ये मैं यकीन नहीं कर सकता, ये आई होगी कसमें, ये हुआ है, मैं आपको बाद में कारण बताऊंगी कौन सा आर्टिस्ट और वो बहुत तप गए थे। सवाल मारिया वास्ती से, तेज तेज सवाल और 2 सेकंड के अंदर जवाब, श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कोई भी कैपिटल नहीं है। जवाब दे, जवाब जवाब दे, कोई भी जवाब, काठमांडू बोल दे। बाबर आजम का असली नाम क्या है? अली। 489 × 3 क्या होता है? 34। वेरी गुड। सबसे बड़ा चोर कौन है? 52। बड़ा चोर है 52। अली। अली 52। अभी आपने कहा बाबर आजम का नाम अली है। लेकिन सबसे बड़ा चोर है 52। दूध किसने दिया? भैंस ने। भैंस, वेरी गुड। नेदरलैंड्स किसने बनाया? कायदे आजम ने। आप बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। जुगनू कितने होने चाहिए? 5,000। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? ताबिश। बस इसी ये सब आपके साथ मिल गया। जुगन से सवाल, रेडी है? रेडी है जी। वेरी गुड। हाथी की आवाज कैसी होती है? फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है? क्या फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है? लाम के बाद क्या आता है? अलिफ। सेब के अलावा कौन सा फल अच्छा होता है? खरबूजा। सबर का। रिंग रोड को किसने रिंग बनाई? मैं बेनजीर भुट्टो ने। मॉर्निंग शो कौन देखता है? कोई नहीं। ये तो नहीं बोला था ना, कोई नहीं बोला था। कोई नहीं। फैसल कुरैशी को क्या पसंद है? टमाटर। आई लव यू का जवाब क्या होता है? चले। अंडे किसने दिए? अबू ने। अबू ने।
पेरेंटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था लड़का, अबू ने अंडे दिया। मैंने बेटा अंडे फ्रिज में रख दू, ये काम दो सेकंड में जो दिमाग में है बोल दिया, दो सेकंड में बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, एक भी बजर तकरीबन नहीं बजा यार। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जब मैं थोड़ा सा यंग था, थोड़ा सा यंग तो आप मेरा क्रश थे। कभी आओ ना खुशबू लगा के। आप थी भाई, और सुनने के बाद मुचड़ सा गया ना बेचारा यार। किसी दिन मेरा वजन बढ़ गया से। तो पाकिस्तान का सेंस भी तो खत्म हो जाएगा। नहीं, किसी सारी तुम्हारा वजन यार बढ़ गया तो फिर तुम और मैं कुछ सोच सकते हैं। नहीं, मैं उसके साथ घूमती हुई इस हुजम पे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, बड़ा बुरा। सेहत और वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं। नहीं, अलग 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 शादीशुदा, अलग अलग। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। सुनने में गलत लगा ना, बहुत देर कर देते हो तुम हर काम करने। जुगन आपको कोई शेर और शायरी से ताल्लुक? शेर शायरी करती हैं या सुनती हैं? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं माचिस हूँ भाई, जिसके साथ बॉडी शेविंग मेरी हुई है। आर यू कॉलिंग योरसेल्फ अ तीली? मैं तीली, हाँ, यस। यू आर तीली? मैं यू आर तीली, आई एम पतीली। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने तो सुना दिया अपना शेर, मगर हमारे पास एक जेन्युइन शायर मौजूद है, पाकिस्तान के लेजेंड है, आपकी भरपूर तालियों में। सही है, सलमान गिलान सर। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकात। सर आपको तो, आपको तो फर्शी सलाम। फर्शी बहुत शुक्रिया। पहन कर रोज टीवी पर नया जोड़ा वो आती है। वाह, पहनकर इसमें इम्पोर्टेंट है पहनना। हाँ, पहन बहुत जरूरी, बहुत। पहनकर रोज टीवी पर नया जोड़ा वो आती है, हेयर स्टाइलों के नित नए फैशन दिखाती है। ये तो है। बहुत जी चाहता है उस परी चेहरा से मिलने को, वो एक टीवी के चैनल पर सुबह का शो चलाती है। इशारा है, किसी की तरफ इशारा है। बुलाऊंगी तुम्हें भी अपने उस शो में जरूर एक दिन, वो अक्सर ख्वाब में आकर यही मुजदा सुनाती है। अक्सर ख्वाब में आकर यही मुजदा सुनाती है, वो पकवाती है चस्केदार खाने अपने उस शो में। पकवाती है चस्केदार खाने, वो पकवाती है चस्केदार, चस्केदार खाने अपने उस शो में। एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर बिल्कुल। वो पकवाती है चस्केदार खाने अपने उस शो में, जिन्हें फिर बाद में वो खुद ही चस्के लेके खाती। वाह वाह भाई वाह, क्या चस्के लिए। अक्सर सोचता हूँ ये डिशें खाने की तदबीर, अक्सर सोचता हूँ ये डिशें खाने की तदबीरें, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। वाह, तालियां होनी चाहिए सलमान साहब को यार, कमाल कर दिया। बहुत मजा आ रहा है भाई। ऐसा है कि नज़्म जो हमने सुनी वो उनकी अपनी थी, हम एक काम करेंगे यहाँ पर नज़्मों जब तबाह कर देंगे। मैं आपसे तीन तीन सवाल पूछूंगा, सवाल ऐसे मैं सवाल पूछूंगा, आपने वन वर्ड आंसर देना, उन वन वर्ड आंसर से मैं एक पूरी पोएम बना दूंगा, पूरी पोएम बन जाएगी और इधर ही बन जाएगी इंस्टेंट, ठीक है। जुगन आपसे एवन वर्ड पूछूंगा, एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव, प्यारा, बदबूदार, अजीब, तरक्का। तरक्का का क्या मतलब है? तरक्का गलीज गंदा, क्या हो गया लाहौरियों को तो बता। तरक्का या गलीज गंदा जो भी नज़्म में बैठ जाए वो लिख दो। नहीं नहीं, तरक्का तरक्का ही लिख, यूज ही करना तरक्का। तरक्का सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी क्लॉथ, यानी फटा हुआ है, तंग है, चुस्त है, बड़ा है, इस तरह कोई डिस्क्रिप्शन हो क्लॉथ का? फटा हुआ लिखो बेटा, फटा हुआ लिखो। तरक्का फटा, पता नहीं क्या नज़्म बनी, कोई नंबर एक 420 लिख। अब आप भी एक नंबर बताइएगा। अच्छा, 9211 9211 लिख दो।
अच्छा कोई भी लेंथ 10 फुट 3 इंच 5 यार्ड कुछ भी 8 इंच पता नहीं क्या क्या 1 फुट से 4 इंच कम। अच्छा मारिया आप बताइएगा इंटरनल कोई ऑर्गन होता है ना दिल गुर्दा फेफड़ा पोटे पोटे मुर्गी के होते हैं ना पोटे इंसानों के क्या होते हैं पोटे इंसानों के क्या होते हैं कलेजा लिखो बेटा लेवर कलेजा लिखो उर्दू जिगर उनसे पूछा था मैं उनसे एनिमल कोई जानवर मर्दों के अलावा कुत्ता हथौड़ा लगे हाथ पर तो क्या आवाज आएगी बेटा लिखो आदमी भेड़िया नहीं हथौड़ा हाथ पे लगे तो फिर नहीं ये हथौड़ा नहीं लगा पीने की कोई चीज प्लीज सत्तू लिखो सत्तू पंजाब के किसी अंदरून गांव में बैठा हूं मैं आज सेलिब्रिटी नेम कोई भी सेलिब्रिटी नेम सेलिब्रिटी ब्रैड पिट लिखो कोई निकनेम जानू बंटी बबलू पाना लिखो यकीन नहीं आ रहा ये वही खातून है जो इंग्लिश में कॉलम लिखती थी निकनेम हो गया पाना कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हाथ दो पैर दो नाक एक आंख कुछ भी नाक लिखो बेटा कोई एक नंबर दे जल्दी से दोबारा 13 13 लिखो जल्दी लिखो तेरा ना मेरा जल्दी से कलर कलर बैंगनी पर्पल होए लिखो बेटा पर्पल लिखो भिंडी आप जल्दी से कोई एनिमल बताएं दोबारा से टीवी गैंडा लिख दो रिलेटिव कोई भी रिश्ता मामू चाचा पप्पा का सौतन लिखो बेटा कब आपके दिए हुए इनपुट है उस पर एक नज्म है उद्धम नज्म इसका उनवान है बनाऊंगा मैं एक तड़का ड्रामा बनाऊंगा मैं एक तड़का ड्रामा पहन के एक फटा पजामा बनाऊंगा मैं एक तड़का ड्रामा पहन के एक फटा पजामा बेटा होगा 420 साल का और बाप 9-2-11 दिन का बेटा होगा 420 साल का और बाप 9-2-11 दिन का 8 इंच का घर होगा 8 इंच का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का और एक सच्ची बात बताने वाला हूं ना करो एक सच्ची बात बताने वाला हूं कलेजी की कसम कलेजी की कसम एक सच्ची बात बताने वाला हूं कलेजी की कसम बीवी की शक्ल इंसान की होगी कुत्ते का होगा जिस्म हमने नहीं किया बीवी की शक्ल इंसान की होगी कुत्ते का होगा जिस्म बात बात पे बोलेगी मैच हो गया मैच करके टेक्निकली बात बात पे औ बोलेगी वो जहर को सत्तू में घोलेगी वो सही है भाई बात बात पे औ बोलेगी वो जहर को सत्तू में घोलेगी वो ब्रैड पिट होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम ओए होगा ब्रैड पिट होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम लेकिन बहुत बुरा होगा उस पाने का अंजाम बहुत बुरा होगा उस पाने का अंजाम और ये ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा नाक तो ये ड्रामा मैं अपनी नाक से लिखूंगा 13 रुपए की शर्त लगा लो हर गंदे सीन में मैं दिखूंगा तेरह रुपए की शर्त लगा लो हर गंदे सीन में मैं दिखूंगा एक पर्पल गेंडा भी रखूंगा एक पर्पल गेंडा भी रखूंगा बजट ज्यादा हो भले वो मुझे सौतन सौतन बोलेगी लगाकर गले और बनाऊंगा मैं एक गेंडा तरक्का हुआ ड्रामा पहन के एक फटा हुआ पजामा स्टेज से नीचे उतरे हाँ ये बस हाँ पैसे मत फेंके क्या आज एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिनका सफाई से बहुत ताल्लुक अच्छा हाँ, सफाई जो हाँ, जो चीज मिलती सफाया कर दे सफाया कर दे आपकी भरपूर तालियों में ख्वाजा आसिफ ओहो वो नहीं नहीं जो है वो जो है ये जो है मैंने जो है वो तुम्हें जो है बताई थी मियां साहब ने ओ यार मियां साहब तो जो दिल में आता है कह देते हैं उनकी बात को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है क्या हो गया मियां साहब के बारे में कह रहे हैं अभी भुगत नहीं जो हमें पड़ जाती है जब बनकर कोई मियां साहब की बात नहीं करनी मानकर लतीफ की बात कर रहा था जो कैसे हैं साहब कैसा चल रहा है पाकिस्तान का दिफा एक मिनट यार पहले कोई बंदा बात करता है हाल वाल पूछता है मारिया वास्ती बैठी हुई हैं जोगन जी बैठी हुई हैं जो है मैं जो है आपका जो है वो बड़ा पुराना जो है वो फैन हूँ
और मैं ही नहीं हूँ बल्कि मेरे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ, मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ, इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके बवर्जी शरीफ जो हैं, वो जो है वो सारे के सारे जो हैं ना, वो जुगन जी के और मारिया जी के हो गए तो हैं। अरे खौर साहब, आपने भी तो कोई अपनी जो है वो जो है मुझे भी लग गया इंतकामी सियासत शुरू कर दी है जो है। इंतकामी सियासत जो है वो क्या होती है? अकामी की है। अकामी सियासत बहुत अच्छी बात की हमारी और मुकामी भी की है आपने, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन इंतकाम जो है, आपको क्या पता इंतकामी सियासत क्या होती है जो है? तो आप बताएं क्या होती है? मैं बताता हूँ आपको जो है, ये जब मियां साहब को जो है छोटे से कमरे में बंद किया गया और जो है उनके ऊपर 40 बल्ब 1000 वोल्ट के जो है, मियां साहब इतनी बिजली कहां से आई पहले मुझे आप बताएं। अंडों में बैठे हुए थे। नहीं मियां साहब देखो ना यार, मियां साहब का एक कैलिबर है, बिल्कुल मियां साहब एक लीडर है। वो क्या था फॉन्ट है कौन सा फॉन्ट? कैलिबर, कैलिबर, कैलिबर। अच्छा कैलिबर। अच्छा ये राणा सनाउल्लाह को अंदर जब डाला था जेल में जो है, जी जी, इनके ऊपर चीनी फेंकते थे कि चींटियां जो है वो आए जो है यानी और उनको काटे, तो आपके मुल्क में पहले ही चीनी का बुरान लोगों के पास चाय में चीनी डालने के लिए नहीं, सारी चीनी डालने से उन पे इल्जाम किस हीरोइन के साथ होने का लगा था? पंजाबी हीरोइन थी, 200 किलो की हीरोइन, सारी चीनी 200 किलो, सारी चीनी जो है राणा सनाउल्लाह की मूंछों पे जाया करती है। राणा सनाउल्लाह मीठे हो, मुल्क में पानी नहीं है, यहाँ ठंड में जबरदस्ती साद रफीक को जो है वो नलाए जा रहे हैं, नलाए जा रहे हैं, जबकि चुल्लू भर पानी की जरूरत थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत जुबान चल रही है आपकी, मैं देख रहा हूँ। देखिए मैंने एक लफ्ज बोला, मारिया जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा इनको अप्रिशिएट किया, जानते हो क्यों? क्यों? इतना हिट मॉर्निंग शो जो है, हाँ हाँ, समंदर पे तुर्की में बगैर वीजे के करना जो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके कायदे नवाज शरीफ मगर उनकी चलती नहीं है। नहीं, मियां साहब तो हमेशा ही फ्री हैंड देती हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने हैंड फ्री दी है पिछले दिन। तो वो क्या क्या, जब आपके हाथ बंधे हो तो फिर बंदा हैंड फ्री ही होता है ना, फिर तो हाथ नहीं चल सकते उसके बाद। आजादी यानी कि भाई सुनने में आ रहा है कि जी मियां साहब का खिताब आ रहा है, मेरे ख्याल से आपके उठने का और उठाने का वक्त आ चुका है। मियाँ साहब मैं आप सारे सुने में इन्होंने, नहीं मियाँ साहब तो मैं नहीं समझता उनकी कोई इतनी अच्छा, नहीं मियाँ नवाज शरीफ खान, जी 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 जी, एक मिनट मियाँ नवाज शरीफ खान साहब का। ओए खान साहब, तो वो तो फिर मुझे मुखातब करके कह रहे होंगे उन्हें फड़ो ना जाना, खान साहब का खिताब किस तरफ आ रहा है। ये था आज का हंसना मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। घड़ियों में बज रहे हैं 11:55 और शक्लों में बज रहे हैं 12। घड़ी में बज रहे हैं 11:55। आप इधर देखेंगे तो आपकी बेगम आपको देख रही है, मगर आपने इस धोखे में नहीं आना है, सीधा सोना है, सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।